दोस्तों, इस कोरोना टाइम में सांसों की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि दोस्तों अक्सर सांसें रुक जाने से ही लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो दोस्तों, पहले से आप अपने लंग्स को कैसे मजबूत बनाएं और कैसे अपने लंग्स को सही रखें, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी जो प्राणायाम है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये प्राणायाम आपने अक्सर बाबा रामदेव के द्वारा भी देखा और सुना होगा, तो दोस्तों उन्हीं प्राणायाम को मैं आपको सजेस्ट करूँगा। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी सांस लीजिए और लंबी छोड़िए। उसके बाद दोस्तों, आपने अक्सर कपालभाति करते हुए देखा होगा, तो कपालभाति कीजिए। उसके बाद दोस्तों, उज्जायिनी कीजिए। उज्जायिनी में आप सांसों को अंदर खींच के रोकिए, उसके बाद उसको एक नाक से छोड़िए। दोस्तों, उसके बाद अनुलोम विलोम आपने अक्सर देखा होगा। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अपने लंग्स के लिए, एक नाक से लंबी सांस लेना और दूसरी से छोड़ना। तो दोस्तों, इन सारी एक्सरसाइज योगासन को करके आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं और इस सांसों की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। और दोस्तों, अक्सर ऑक्सीजन लेवल जो गिर जाता है, ये ऑक्सीजन लेवल को वापस आपके नॉर्मल स्थिति में ऑक्सीजन लेवल को लेकर के आएगा। तो दोस्तों, अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए इन सारे योगासनों का आप अभी से और आज से ही शुरुआत कर दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, उज्जायिनी और अनुलोम विलोम, दोस्तों इन सारे प्राणायामों को आज से अभी से शुरू कीजिए और अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए इन सारे योगासनों का अभ्यास अभी से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और कुछ भी कमेंट आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दोस्तों। तो बस दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।